सबसे पहले सबको जय सवाद, जय जोहार। मेरा परिचय, मैं बिहार राज्य के बक्सर जिले से बिलोंग करता हूँ। सामाजिक कार्यक्रम हो या समाज से संबंधित संवैधानिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी कार्यक्रमों में हमारा हिस्सेदारी होता है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक समिति नेशनल गोटुल आदिवासी युवा महोत्सव और आदिवासी छात्र संगठन विदर्भ के सभी कार्यकर्तागण को दिल से सेवा जोहार करता हूं। जैसा कि साथियों, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे मामले हैं, घटनाएं हैं जो हम उसको पूरा करने के लिए संगठित नहीं हो पा रहे हैं। वो ऐसे मामले हैं जिनको बिना संगठित हुए उसका हल नहीं किया जा सकता। जैसे कि सीधी बात बोला जाए अभी कि अगर हम आदिवासी समुदाय जिस नैया पर बैठे हुए हैं और उस नैया का हाल इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है कि बेचारा नैया सोच में पड़ा है कि आगे जाऊं कि पीछे जाऊं या डूब मरूं। मतलब इस नैया का खेवनहार ही आदिवासी समुदाय का गुनाहगार है। जैसे कि यह कार्यक्रम आदिवासी छात्र संगठन के कैरियर गाइडलाइन को लेकर और आदिवासी समाज के संवैधानिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक समृद्ध बनाने के लिए रखा गया है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जैसे कि पिछले वक्ता डॉक्टर श्याम कोटी जी ने बोला, कम से कम शब्दों में उन्होंने समाज की हरेक दर्द और कमियों को हमारे सामने रखा। हमारे समाज की, जैसे कि बिना संगठन के हम कोई काम आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन संगठन तो पिछले 70 सालों से बना है ना। 70 सालों से हमारे आदिवासी समुदाय के बहुत सारे कट्टर सामाजिक संरक्षक लोगों ने मिलकर अपना योगदान दिया है और आज भी दे रहे हैं। लेकिन आज इसकी लड़ाई और आग इतनी तेज हुई है, इसमें एक स्वार्थ टाइप की बीमारी उत्पन्न हुई है। स्वार्थ जो कि संगठन में व्यक्तिगत स्वार्थ जो पैदा हो रही है, उसी समाज से जन्म लिए हुए जिसको आज कुछ लोग ठेकेदारी के नाम दे रहे हैं, उन ठेकेदारों की वजह से ही समाज आज बदनाम हुआ है और पीछे दिन पर दिन जा रहा है। ये माने या ना माने, लेकिन ये सत्य है। संगठन में शामिल हर एक कार्यकर्ता दिन रात सोचने में ये लगा हुआ है कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। वो इस दंश को हमेशा हर समय झेल रहा है। क्या जो हम संगठन का जो आधार है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, क्या हम उस उद्देश्य के हिसाब से काम कर रहे हैं? व्यक्तिगत हम अपना घर चला सकते हैं, परिवार को संभाल सकते हैं, लेकिन हमारा समुदाय जैसे पिछले सदियों से आज पिछड़ा हुआ है, आज उसी स्थिति में जकड़ा हुआ है।
हम बोल के चले जाएंगे, आप लोग सुन लेंगे, लेकिन आखिर कब तक? बोलने वाले प्रवक्ता बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे, लेकिन हमारा आदिवासी समुदाय का न रहन बदलेगा, न सहन बदलेगा, और ना ही जो अभी जो दर्द का एक बड़ी लकीर खींची गई है मनवादी विचारधारा के लोगों द्वारा, उस लकीर को बढ़ाने में कहीं ना कहीं हमारे समाज के वैसे ठेकेदारों का योगदान रहा है जो अपने पेट पालने का काम करते हैं। ये बात आप माने या ना माने, जरा सोचिए, इतने दिनों से हमारे संगठन, हजारों संगठन आज आदिवासी के नाम पर काम करते हैं। कोई धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक को एक साथ लेकर चलता है, कोई संस्कृति को लेकर चलता है, कोई राजनीति को लेकर चलता है, तो कोई आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लेकर चलता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम स्वार्थ भावना को छोड़ के, स्वार्थ भावना को त्याग कर हम खुद अमीर बने, अपने समुदाय को भी अमीर बनाए, इस अगर आधार और इस नियम पर चलेंगे तब हमें ताकत मिलेगी और आगे बढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को लेके संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी नौयुवक या हमारी बहनें, उनके सामने चुनौती है आज पढ़ाई के साथ साथ समाज की भी बागडोर संभालने की। पढ़ाई भी करे, अपना कैरियर भी सुधारे और अपने समाज को भी सुधारे, ऐसा मामला हर एक युवा और युवतियों के साथ आज चुनौती बन के खड़ा हुआ है। तो ऐसा काम करते हैं, हम पढ़ाई भी करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ अपना कैरियर भी संवारेंगे, और जिस समाज से जन्म लिया है उस समाज के स्थिति और दशा पर भी ध्यान देंगे। इन सब चीज को एक साथ लेकर चलने से ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। समाज में शामिल सबको उस चीज का गर्व महसूस हो, उसको लक्ष्य मालूम हो कि हमको कहां तक ले जाया जा रहा है, हमारा उपयोग कहां हो रहा है, इस बात को गौर करना पड़ेगा। किसी भी संगठन में जाने से पहले संगठन का लक्ष्य और उद्देश्य को पहले जाने, उसको माने, उसके बाद संगठन में जुड़ के अपने समुदाय को और समुदाय के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का काम करें। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, जैसे कि इस महाराष्ट्र राज्य में थोड़ा सुनने को मिला है कि जागरूकता की कमी जो है बहुत पीछे चल रही है अन्य राज्यों के हिसाब से। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम पढ़ाई तो अपना कर रहे हैं, अपने पेट पालने के लिए अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें दूसरे समुदाय से कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे दूसरा समुदाय अपने पढ़ाई भी करता है, पेट भी पालता है, अपने धर्म संस्कृति को ध्यान में रखकर सब कुछ काम करता है, लेकिन हम आदिवासी समुदाय संस्कृति करेंगे तो मात्र संस्कृति ही करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो मात्र पढ़ाई ही करेंगे। लेकिन इन सब चीजों को संरक्षण हेतु आगे कौन आएगा? अब मान लीजिए कोई राजनीति कर रहा है, आपको जागरूक कर रहा है, जागरूक करने के बाद आपको बहुत सारे मुद्दे पर उस समस्या को हल करने के लिए आपके साथ मिलजुल कर काम करता है, आपका सहयोग लेता है, और बताइए अंत में अगर वो आपके बताए हुए और वादों के हिसाब से काम नहीं करता है तो हमारे युवाओं पर, युवाओं को दिल पर चोट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, बताइए?
यही हो रहा है हमारे समाज में आजकल। पहले समस्याओं को सामने दिखाया जा रहा है, मुद्दा बनाए जा रहे हैं और हमारे भोले भाले लोग दिन रात जो कि एक उम्मीद और सपने के साथ जीते हैं। अगर आज रात में खाना खाते हैं तो रात भर खुली आंख खोल के सोचते हैं कि मेरे को कल क्या काम करूं कि कल के लिए मेरे को दो वक्त की रोटी मिले। ऐसे समुदाय के साथ अगर ऐसा सपना दिखाया जाए और आखिरी समय में उसके साथ धोखा किया जाए, ये काम अपने ही लोग करते हैं, तो बताइए दूसरे समुदाय के लोग आपको नचाएंगे कि नहीं नचाएंगे, उस मौके का फायदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। सारे हमारे भाई बहन नीचे बैठे हुए हैं, एक बात को गौर कीजिएगा, आप लोग सुन रहे हैं, हो सकता है इतनी संख्या में किसी एक को समझ में आए। इस बात को अपने से सवाल करें, जो हम अपने संस्कृति जो समुदाय से जो जन्म लिए हैं, हम उस संस्कृति को बचाने के लिए, उस संस्कृति और समुदाय के संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए कितना हद तक हम अपने आप से योगदान दे रहे हैं, ये सवाल खुद से पूछने की जरूरत है। आधुनिक समय में संस्कृति का बढ़ावा, नए नए संस्कृतियों का जन्म लेना, उसको हम तुरंत अपनाते हैं, लेकिन जो हमारे पुरखा पूर्वज लोगों की देन है, अरे आपके पुरखा पूर्वज की देन संस्कृति को ही, ये जो नए नए धर्म और नए नए समुदाय के लोग हैं, आप ही के धर्म संस्कृति को कॉपी करके उल्टा सीधा, जैसे उत्तर को दक्षिण बोल दिया, दक्षिण को उत्तर बोल दिया, तो हमारे युवा लोग समझते हैं कि अरे ये तो नया फैशन है, मतलब उस चीज को कैच जल्दी करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। तो इन सब बातों को इग्नोर करना होगा। आपका इस्तेमाल कहां हो रहा है, किसी संगठन या किसी भी दल का उपयोग की वस्तु बनने से बचे। जब एक आदमी आदिवासी समुदाय का एक महानायक बिरसा मुंडा, एक आदमी के खड़े होने से पूरा अंग्रेजों के रोंगटे कांप उठते हैं। कम से कम आप उतना नहीं कर सकते तो कम से कम उनके बताए हुए रास्तों पर चल सकते हैं, उनके दिए हुए जन्म, दिए हुए उनके भूमि, उनको तो कम से कम संरक्षित कर सकते हैं ना। खासकर हम अपने भाई बहनों के लिए ही बोलना चाहेंगे, इंजॉय तो सब करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, सब कोई अपने अपने तरीके से जीना चाहता है, खासकर जो उम्र होता है 16 से 25 वर्ष तक। जरा ध्यान दीजिएगा, एक मुस्लिम समुदाय का लड़का आपके सामने खड़ा हो जाएगा तो आप उसके बिना बताए हुए आप बोलेंगे अरे ये तो मुस्लिम है, इन लोगों का अलग धर्म संस्कृति अलग अलग है, कैसे मान लेते हैं आप, जबकि वो तो आपको बताता नहीं है। तो मेरा मतलब है कि अगर हम आदिवासी हैं, गोंडवाना लैंड का गोंड है, तो मैं भी उसी रूप में खड़ा हूं ताकि सामने वाला मेरे को बताए, बिना बताए जाने नहीं गोंडवाना लैंड का गोंड खड़ा है। हम इस चाल में क्यों फंसे हैं कि अपने आप को तय नहीं कर पा रहे हैं कि गोंड है कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि ईसाई है या फिर बौद्ध है, मतलब जन्म इसीलिए हुआ है क्या, कि झूठ को सच मानने के लिए जन्म हुआ है। जो भी छात्र छात्राएं हैं हमारे, उन लोगों को अपने भविष्य के साथ साथ अपने समाज का भी भविष्य को तय करना पड़ेगा।
क्योंकि जब आप आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो आपको शिक्षित पूर्ण रूप से तभी माना जाएगा जब आप स्वयं शिक्षित हो और अपने समाज को शिक्षित करो। स्वार्थ के लिए तो हम अपना रोजी रोटी कमाने के लिए जी रहे हैं, लेकिन जिस समुदाय का 90% लोग अनपढ़ है, अशिक्षित है, उसको शिक्षित करने के लिए कौन आएगा? इन्हीं सब बातों को ध्यान देना होगा। और बात सुनकर इस कान से निकालने की जो बीमारी है हमारे आदिवासी समुदाय में, उसको दूर करना होगा, उससे बचना होगा। हमारे बहुत से मार्गदर्शक दादा लोग अपना बात विचार रखेंगे और आप ही के भलाई के लिए रखेंगे, तो इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ के जरूर जाऊंगा। बिहार से आया हूं मैं, सब लोग अपने जिंदगी, अपने संस्कृति, अपने धर्म के आधार पर कुछ न कुछ योगदान देके जाते हैं। आप इस उम्र में या रात में सोते वक्त अपने खुली आंखों से सोचिएगा कि हमने अपने समाज के लिए क्या योगदान दिया है। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? क्योंकि समाज किसी व्यक्ति विशेष को या व्यक्ति विशेष से आगे बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा, जब तक से हम सब भाई बहनों का एक साथ साथ नहीं होगा तब तक से नहीं बढ़ेगा। तो खुद से सवाल जरूर कीजिएगा कि हमने समाज को क्या दिया है। हो सकता है बहुत सारे सवालों का जवाब मिले। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे भूगोल, हमारे धर्म, हमारी भाषा, सब कुछ है हमारे पास। कोई जरूरत नहीं हमारे दूसरे धर्म को या संस्कृति और भाषा को अपनाने की। हो सकता है समय समय में कुछ चीजों को बदलना पड़े, उस चीजों के साथ समझौता करना पड़ेगा। यह भी सत्य नहीं है। हमारे पहले जमाने में हमारे पुरखा पूर्वज लोग बीमारी में, बीमारी का इलाज झाड़ फूक, आयुर्वेदिक है ना, जड़ी बूटी, इन तंत्र और आयुर्वेदिक चीजों को अपना के ठीक कर लेते थे। लेकिन आज के समय में वो प्रयोग कहीं ना कहीं हमारा विफल हो जा रहा है, तो उसी से बचना होगा। जैसे कहीं कहीं भाषा है, जरूरी नहीं है कि हम आदिवासी हैं तो हम आदिवासी भाषा ही बोलेंगे, क्योंकि हमारा पालन पोषण से लेके कुछ पिछले सालों से जो परिवेश है वो दूसरे धर्मों को चपेट के साथ साथ शहरीकरण में विलय हुआ है। तो बदलाव हो सकता है समय के साथ, समय और देश के साथ थोड़ा अपने आप को बदलाव भी लाने की जरूरत है। राजनीति की थोड़ा बात मैं चर्चा करूंगा। राजनीति भी एक समाज की बहुत बड़ी, एक तरफ से कहिए कि आपको माँ बाप है, आप खाते हैं पीते हैं, उसका मूल्यांकन, उस मूल्य का निर्धारण राजनीतिक और सांसद से ही तय होता है। ये मत भूलिए कि राजनीतिक एक बुरी बीमारी है। आप कपड़ा पहनते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोकतंत्र के हिसाब से उस कपड़े का दाम से लेके खाने पीने से लेके आपके रहन सहन चालन के साथ साथ आपके पढ़ाई के हर एक योजना तक राजनीतिक लोग ही तय करते हैं। तो उस राजनीतिक का चुनाव कीजिए। 70 साल से बहुत कुछ खेल इधर से उधर हुआ है। हमारी युवा पीढ़ी इस चीज को तय नहीं कर पाती है कि हमको किस दिशा में जाना है। कोई भी पार्टी अपना झंडा देती है, लो झंडा रहो तुमको हम मजदूरी देंगे। ये हमारी बीमारी है, हमारी कमी है। हम दूसरों को डंडा और झंडा ढोने से हम अपना डंडा बनाए, अपना झंडा बनाए और उसको ढोए। कहते हैं ना
बाप की मार सह सकते हैं लेकिन दूसरों की मार नहीं सहेंगे। ये चीज हमारे आदिवासी समुदाय से खत्म हो रही है। उल्टा बाप की मार नहीं सहेंगे लेकिन दूसरे धर्म और दूसरे लोगों की मार सह लेंगे। इसलिए ताकि अपना जो पॉकेट हो, अपना पॉकेट मनी हो, वो मजबूत हो जाए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव करके उनको समाज से दूरी बनाना होगा। तो राजनीतिक उसी राजनीति का चुनाव कीजिए जिस राजनीति के सामने आपको भीख ना मांगना पड़े। हम मालिक या अपना नौकर उसी को बनाएंगे जिसके सामने हम गिड़गिड़ाए नहीं। मालिक बनाने का फायदा क्या जिसके सामने हम रोज गिड़गिड़ा रहे हैं, हे मालिक कर दो, हे मालिक मेरा काम कर दो। तो वैसे लोगों का चुनाव करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। भले हम चुनाव नहीं करेंगे, चुनाव में भाग नहीं लेंगे, अगर हमारे हिसाब से हमारे अनुकूल का आदमी अगर सामने खड़ा नहीं हो तो हम दूरी बनाएंगे। संवैधानिक कार्यक्रम इस क्षेत्र में बहुत जरूरी है, संवैधानिक प्रशिक्षण। हम अपने छात्र छात्राएं अपने भाई बहनों से यही कहना चाहेंगे, अगर आप रोज की पढ़ाई की समझ से आपने मैथ, अंग्रेजी, हिंदी इन सबको शामिल किए हुए हैं तो कम से कम आप अपने एक घंटे संविधान संबंधी, अपने अधिकार संबंधी अनुसूचियों अनुच्छेदों का पढ़ाई और अध्ययन जरूर करें। एक घंटा डेली, एक घंटा। जैसा कि मैथ पढ़ने से सिर्फ मैथ कमजोर मैथ मजबूत होगा, तो आजकल तो मैथ पढ़ने से हमारा तो भला होना नहीं है। हमारे आदिवासी भाई बहनों को कूटनीति बनना होगा। अगर राजनीति करना है तो वहां संस्कृति को त्यागना पड़ेगा। खुले मन से किसी एक विशेष संस्कृति को सामने लाकर आप राजनीतिक दिशा में नहीं जा सकते, क्योंकि राजनीतिक भिन्न भिन्न धर्म समुदाय वर्गों के साथ मिलकर तय होता है। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो वहां अपने संस्कृत की जो विषय है, संस्कृति का विषय है, उसको बंद करना पड़ेगा। इसीलिए ऑलराउंडर बनिए। संस्कृति में भी उतना ही आगे रहिए, राजनीति में भी आगे रहिए, आर्थिक आधार को भी मजबूत कीजिए। किसी एक विशेष क्षेत्र में आगे जाने से मेरा भला नहीं होने वाला। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म कर रहा हूं। हम बहुत सारे हमारे मार्गदर्शन और भी लोग हैं, उनकी बातों को आप ही के भलाई के लिए सारी बातें और सारे हमारे मार्गदर्शन दादा लोग रखेंगे। कान से सुनिएगा, निकालिएगा मत। सबको एक बार जय सेवा, जय जोहार, जय पड़ा।